चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, वैसे ही डिक मॉर्ली को कहा जाता है फादर ऑफ पीएलसी। पीएलसी का इजाद 1968 में हुआ था और उस पीएलसी का नाम मॉडिकॉन था। 1968 के बाद पीएलसी में बहुत इनोवेशन हुए। मोटिव ये था कि उनको वायरिंग को कम से कम करना था और पीएलसी को कॉम्पैक्ट बनाना था। अलग अलग कंपनीज ने अपने पीएलसी के मॉडल निकालने स्टार्ट किए और उन लोगों का मोटिव ये था कि वो अपने मॉडल्स के थ्रू लोगों की एप्लीकेशन को सॉल्व कर पाए। और उनमें से एक कंपनी थी ओमरॉन, और ओमरॉन एक वर्ल्ड रेनाउंड कंपनी है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। और आज मैं आपको ओमरॉन पीएलसी खोल के दिखाऊंगा। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आई एम अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। तो इस वीडियो में मैं आपको वो पार्ट समझाऊंगा पीएलसी के अंदर जो एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर या फिर एक पीएलसी प्रोग्रामर को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनडेप्थ में जानना है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है तो मैंने पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपका काम है डेटा शीट को पढ़ना, ये हैबिट आपको अभी से डालनी है। और अब आगे की वीडियो को एक छोटे से बी रोल से स्टार्ट करते हैं। पीएलसी को खोलने से पहले हमें मॉडल नंबर को समझना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, मॉडल नंबर में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती है। जैसे पीएलसी का मॉडल नंबर है CP1E N30DRA। अब CP1E है इस पीएलसी की सीरीज, N का मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन मॉडल है, और 30 का मतलब ये है कि ये बता रहा है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कितने हैं। 30 में अगर सेग्रीगेशन होता है तो वो होता है हमारे 18 इनपुट्स और 12 आउटपुट्स, जिससे हमें टोटल 30 इनपुट आउटपुट मिल जाते हैं। डी का मतलब ये होता है कि ये जो पीएलसी है इसमें सिर्फ डीसी इनपुट्स एक्सेप्टेबल होंगे, कि आप एसी इनपुट को नहीं कनेक्ट कर सकते इस पीएलसी में। आर का मतलब ये है कि ये पीएलसी एक रिले आउटपुट पीएलसी है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ आउटपुट समझाए पीएलसी के अंदर। इस पीएलसी में हमारे आउटपुट्स में रिले लगी हुई है जिसके थ्रू आप आगे लोड को ऑपरेट करोगे। इसमें ए का मतलब ये है कि इस पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए हम एसी पावर सप्लाई देंगे। और अब पीएलसी को खोल के समझते हैं कि इसमें मेजरली क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। तो ये है हमारी ओमरॉन की पीएलसी CP1E N30DRA। और इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम CX प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। इस पीएलसी के अंदर एक बैटरी भी लगी हुई है। वो ऐसा इसलिए लगी हुई है कि जब पीएलसी की पावर सप्लाई चली जाती है तो कुछ डेटा बैकअप में चले जाता है। पीएलसी में हमारे स्टेटस लाइट्स भी हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो कि अभी क्या स्टेट है पीएलसी की। इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए आपको एक प्रिंटर केबल का यूज़ करना है और फिर उसको आपको अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना है। इस पीएलसी में आपको एक डिंड्रिल माउंटिंग भी मिलती है, वो आपको पीएलसी के आपको जस्ट पीछे मिल जाएगी। आप इसको यूज़ करके पीएलसी को डिंड्रिल में माउंट कर सकते हो। ये हमारा पीएलसी का बैटरी का स्लॉट है, यहाँ पे आपको बैटरी को लगाना है। और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट टर्मिनल है। ऊपर वाले टर्मिनल हमारे इनपुट्स के हैं, नीचे वाले हमारे आउटपुट्स के हैं। ये स्टेटस लाइट है, यहाँ पे पावर की लाइट है, रन की लाइट है, अलार्म की लाइट है, और आपको और भी इंडिकेशन आप देख सकते हो इसी में। ये हमारा है RS232 का पोर्ट है, यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। और आपको स्टेटस लाइट भी मिलेगी इनपुट और आउटपुट में भी, ताकि आप ये देख पाओ कि हमारा इनपुट एक्चुअल में रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। सिमिलरली वही चीज़ आपको आउटपुट में भी देखने को मिलेगी। ये हमारा पीएलसी का मेन प्रोसेसर, और यहाँ पे हमारा मेजरली हमें कुछ इस तरह की आईसी मिलती है जो RS232 के लिए ट्रांस रिसीवर एक्ट करती है। तो मैं जो भी कॉम्पोनेंट्स होंगे मेजर कॉम्पोनेंट्स उनके लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बैटरी हमारा सारा डेटा बैकअप नहीं करती, वो कुछ ही डेटा बैकअप करती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको डेटा शीट में मिल जाएगी। आप डेटा शीट में बैटरी वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको उसका आइडिया भी लग जाएगा। अब पीएलसी के इनपुट सेक्शन में देख लेते हैं। इनपुट सेक्शन में हमारे एक्चुअल में ऑप्टो आइसोलेटर्स लगे हुए हैं, जिनको हम ऑप्टो कपलर्स भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारा आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के बीच में। अभी इनपुट यहाँ पे हमारा हो सकता है सेंसर, हो सकता है या मेरा कोई ऑन ऑफ सिग्नल हो सकता है। अब इस सिग्नल को मेरे को अपने माइक्रो प्रोसेसर में देना है या फिर हो सकता है किसी आईसी में देना है, तो
वहाँ पे सिग्नल को आइसोलेट करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्टोकप्लर्स का यूज़ करते हैं। ये पोर्ट हमारा एक्सपेंशन मॉड्यूल के लिए, कि जब आप एक्सपेंशन मॉड्यूल लगाओगे एनालॉग या डिजिटल, तब यहाँ पे आपको वो मॉड्यूल कनेक्ट करना है। और ये है हमारा आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में हमारी रिलेज लगी हुई है। आउटपुट में हमारी जो रिले लगी हुई है वो 2 एम्पेयर की रिले लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 2 एम्पेयर का लोड कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लगे हुए हमारे 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं कुछ इस पैकेजिंग में, और आप फिर इसके मॉडल नंबर को भी देख सकते हो, CP1E N30DRA। आपको अगर और स्पेसिफिकेशन पढ़नी है तो आप इसके साइड में भी पढ़ सकते हो, ये भी आपको PLC पे दिया होता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ओमरॉन कंपनी, और आपको जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं वो भी इस पे दिए होते हैं। अब PLC के लोअर पार्ट पे आ जाते हैं। लोअर पार्ट में हमारी लगी हुई एक SMPS पावर सप्लाई, जो बेसिकली PLC को पावर सप्लाई देती है। होता क्या, हमारी PLC AC इनपुट सप्लाई की है, तो पूरे PLC मॉड्यूल को सप्लाई देने के लिए एक कन्वर्टर लगाया हुआ है। ये क्या करता है, AC 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC और 5 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, जिससे ये सप्लाई पूरे PLC मॉड्यूल को जाती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप आउटपुट को कनेक्ट करते हो तो आउटपुट में भी आपको एक 24 वोल्ट DC का एक टर्मिनल मिलेगा। वो आपको इस SMPS की वजह से मिलेगा, जिससे आप अपना लोड को आगे कनेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मेरे तो बस एक यही कोशिश है कि मैं जो एजुकेशन सिस्टम जो हमें पढ़ाता है चीज़ें और जो प्रैक्टिकली फील्ड में यूज़ होती है, उस गैप को कम करने की कोशिश है, ताकि आप रिलेट कर पाओ जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। मेरी तो बस एक यही कोशिश है अपनी वीडियोस के थ्रू। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। Thank you, everyone.